का आभारी हूँ कि बिल्कुल सही है कि सबसे बड़ा बड़ी समस्या हमारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की है, क्योंकि हमें 50 साल पहले जो सपना देखना चाहिए था वो आज देख रहे हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था 50 साल पहले होनी चाहिए तो ये नहीं होता कि एक कार में एक आदमी बैठा हुआ। इससे ज्यादा लग्जरी और अय्याशी मैं कहूंगा कोई नहीं हो सकती कि एक कार में एक आदमी हो, वो पेट्रोल खर्चा कर रहा हो, स्पेस जाया कर रहा हो, और एक घर में तीन तीन चार चार कारें खड़ी हैं, पार्किंग की जगह नहीं है। दिल्ली में तो रोज फौजदारी होती है पार्किंग की जगह पे। इस सब से छुटकारा मिल सकता है बढ़िया ट्रांसपोर्ट सिस्टम, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम हमारे पास हो। इलेक्ट्रिक बसेस का जहां तक ताल्लुक है, ये अब दिल्ली के लोगों को तो पता ही नहीं है पॉल्यूशन फ्री एनवायरमेंट क्या होता है, मुझे पता है। आप अगर एक दिन यहाँ रुक रहे हो तो यहाँ दाची गांव एक रिजर्व फॉरेस्ट है श्रीनगर, यहाँ हमारे जिले में, उसमें सब लोग नहीं जा सकते हैं। वो 0%, मतलब आप समझिए जैसे ऑक्सीजन के सिलेंडर से ऑक्सीजन निकलती उस तरह की वहां हवा है, कोई उसको स्पॉइल नहीं हुआ है। और इसलिए मैंने मेरे यहाँ ये जो एसएससी होती है, शर्मा जी जिसका जिक्र कर रहे थे, जो हमारे एडवाइजर्स की मीटिंग होती है, तो इसमें लोग सब्जेक्ट ले आते हैं, ये भी पास कर दो, जल्दी जल्दी में होता है पास हो जाता है। बहुत सारी चीजों का तो बाद में पता चलता कि पास क्या कर दिया। इसी तरह इस बार एक पॉलिसी आई कि हम जंगलात के ये जगह खोल देंगे लोगों के ट्रेवल करने के लिए, लोगों के जाने के लिए, लोगों के बरतने के लिए। उसमें दाची गांव भी था। फॉर्चुनेटली वो मेरी निगाह पड़ गया और मैंने कहा कि किसी भी कीमत पे दाची गांव को हम ट्रैकिंग के लिए, लोगों की पिकनिक करने, शादी के फंक्शन करने, इन सब कामों के लिए बिल्कुल नहीं खोलेंगे। जिसकी वर्चुअली वहाँ दिलचस्पी हो एनवायरनमेंट की, वो लोग जा सकते हैं, उन्हीं को खोलेंगे। और आप, मैं आपको निवेदन करता हूँ, आप जाइए, हमारे यहाँ से इजाजत है, मैं आपको इजाजत दूंगा और जाके देखिए कि कितनी बेहतरीन जगह है। वो वहाँ झरना है, ट्राउट फिश है, राजा का बना हुआ लॉज है, और इतना बेहतरीन मैदान है, चारों तरफ पहाड़ियां हैं। मैं उसकी एयर क्वालिटी की बात कर रहा था, वो मैंने आज तक कहीं भी महसूस नहीं की जैसी दाची गांव में है। तो बहुत दूर तक श्रीनगर के इस हिस्से की तो एयर की क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, तो इसको हमको बचा के रखना है। श्रीनगर बहुत अच्छा शहर है, श्रीनगर ये है, श्रीनगर वो है, लेकिन जाके देखिए हमने श्रीनगर का क्या हाल कर रखा है, डल का क्या हाल कर रखा है। सारे होटलों का सीवेज दर में जाता है, सारी जो बोट्स हैं हाउस बोट्स उनका जाता है। ये अलग बात है कि हम लोग बहुत जल्दी इसको सॉर्ट आउट कर देंगे, पाबंदी हम लोग लगा रहे हैं कि जो अपना एसटीपी नहीं लगाएगा उसका लाइसेंस कैंसिल कर देंगे, इनको हम खुद बायोडाइजेस्टर प्रोवाइड करेंगे, जो बसे हुए लोग हैं उन्हें जमीने लेके घर बना के देंगे, और डल को हम साल डेढ़ साल में जो उसका पुराना स्वरूप है उस पर ले आएंगे। श्रीनगर शहर का मुझे कई बार बहुत उलझन होती है, ये मैं चाहता नहीं हूँ कि मैं इश्यूज को इतनी दूर तक खींचूं कि क्राइसिस हो केंद्र सरकार के लिए। यहाँ जो हमारे टाउन प्लानर्स हैं या जो नए शहर का सपना देख रहे हैं, उनकी प्रायोरिटी भी ये नहीं है कि जो हमारा पुराना शहर है जिसको डाउन टाउन कहते हैं उसकी गली में जाके देखें कि जिंदगी किस तरह लोग बसर कर रहे हैं, किस तरह लोग रह रहे हैं, कोई कारोबार है कि नहीं है, कितनी गुर्बत है, उनकी जिंदगी कैसे सुधार सकते हैं, उसके बारे में सोच नहीं है। लेकिन हम वो क्या बताया था शर्मा जी आपने, फिश वाला जो होता है एक्वेरियम, एक्वेरियम का सपना है हमारा। मैं पैर रख दूंगा जिसमें वो फैसला होने के लिए आएगा, आई पुट माई फुट डाउन, और मैं कहूंगा कि हम कोई फिजूल खर्ची नहीं करेंगे, हम शहर के हालात सुधारने में खर्चा करेंगे। ये जो हमारा थिंकिंग है, इसी तरह पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आपको चूजी होना पड़ेगा कौन सा ट्रांसपोर्ट आपके लिए वायबल है, किस ट्रांसपोर्ट से शहर के लोगों को फायदा होने वाला है। मेरे सामने प्रपोजल आया कि हम वो चलाएंगे मेट्रो, जयपुर जैसे शहर में तो मेट्रो कामयाब नहीं है, श्रीनगर में आप मेट्रो चलाएंगे, श्रीनगर में आप हल्का ट्रांसपोर्ट सिस्टम दीजिए जो लोग अफोर्ड कर सकते हो, जो चले और वो अटका हुआ ना है।
तो यहाँ की जरूरतों को समझ के हमको ट्रांसपोर्ट का भी प्लानिंग करना पड़ेगा। और मुझे इस बात की खुशी है मंत्री जी के जो आपकी बसें हैं ये हमारा मसला बहुत दूर तक हल करेंगी और इससे लोगों को सुविधा होगी। मैं माफी चाहता हूँ, मैं बहुत ज्यादा और आउट ऑफ द वे बोल गया, लेकिन ये मेरे साथ होता है। अखबार वालों से मैं माफी चाहूंगा कि इसका कोई वो एक शेर है दुष्यंत कुमार का कि जी बहुत चाहता है सच बोलने, जाने क्यों हौसला नहीं होता।